और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, मतलब काफी अच्छा लगता है। नहीं लगाया है फुल माथे पे जैसे अभी लग रहा है ना मेरा है। अच्छा अच्छा जूस पीजिए और स्वस्थ रहिए। पी लिया था और बच्चे ब्रेड वगैरह जिसको जो खाना था वो खाए। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरुष लोग ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ठंडी ठंडी क्या, ठंडी तो खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी मैंने पहन रखे हैं दो स्वेटर। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है और मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा दो तीन दिन से क्या बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए मुझे ब्लॉग अपलोड किए। तो आज जाएगा, आज है 16 फरवरी है और आज है मेरे बेटे श्लोक का इंटरव्यू। और तो आइए जानते हैं उनके पिताश्री से। हाँ जी पिताजी बताइए। क्या बताए, तुम्हारा लौंडा तुम्हारे जैसा नलायक है जाके का कहेगा? ये बाप रे, आपको डाउट लग रहा है कि नहीं बोलेगा? आपको डाउट है? ए, साला बदमाश है इसके जैसा। क्या देखते रहते हो जी, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, बकवास। तो अभी तो जाना है 1:30 बजे और अभी 9:30 बज रहा है लेकिन श्लोकी से बोल रहे हैं तो सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। मुझे तो बस आरवी थी ना, तो आरवी का जब इंटरव्यू था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, कोई डाउट नहीं था। हाँ इतना था कि सब कुछ कर लेगी, लेकिन ये थोड़ा सा शैतान है तो इसकी वजह से इसको लेकर मुझे डर लग रहा है। श्लोकी यहाँ आना, तो मेरा बाबू कहाँ जाएगा? देखो देखो देखो, आंख में आ डाल दिया, मेरे आंख में आग पुट गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। अरे अरे हमें तो दिख ही नहीं रहा, उसने भी डाल दिया। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरा बच्चा तुम्हारे बैग में गया। अच्छा ठीक है चलो। तो आज हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं? मॉल नहीं, स्कूल। स्कूल से, स्कूल में जब तुम अच्छे से सब बता दोगे तब तुमको मॉल ले चलेंगे आज। हाँ जी। अच्छा मैम पूछेंगी व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे? अरे बताओ ना, अरे बताओ ना, बस यही करता है और यही से करता है, शर्माता है तो तो मुझे दूसरे के सामने बोलता है। हाँ बोलता है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि स्कूल जाएगा ना तो ऐसे मैम कुछ पूछेंगी, बाबू ए फॉर तो एप्पल बोलने के बदले ऐसे करेगा, कैसे करेगा देखना ना, कैसे करेगा। और ये रॉकी सिंह ऑरेंज खाने के लिए रो रहे हैं, क्या खाएंगे रॉकी? ऑरेंज खाना है, ये खा रहे हैं ऑरेंज, तो उसको भी उसका भी मन कर रहा है। मुझे तो सर्दी हुआ है, मैं तो कुछ भी ना खा पाऊं, तो पतिदेव अकेले अकेले ही खा रहे हैं। अकेले अकेले क्यों खा रहे हैं मेरे बगैर? देखो जिसके नसीब में जितना लिखा होता है दाना खाने को ना, वो उतना ही खाता, तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम नहीं खा रहे हो। बाप रे इतनी बड़ी बात कह देंगे कि जैसे लगता है मुझे शर्म आ जाए। तो बाबू तुम बोलो ना। हम रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए और ये है श्लोकी, इसको हम सुला दिए थे, अभी उठ रहा है, नींद में है थोड़ा थोड़ा। तो 1 बज गया है, 1:30 बजे हमें वहां पहुंचना है, आधे घंटे में इनका मूड ठीक करना है, इनको कुछ खाना खिलाना है और इनको रेडी करना है, तो हम चलते हैं, इनका सारा काम कर लेते हैं। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ। हाँ देखो कितना प्यारा बच्चा है मेरा, आ जाओ। तो ये श्लोकी रेडी हो चुका है। स्माइल कर दो। गुड बॉय। हाँ बाबू का इंटरव्यू देने जा रहा है। क्या बात करेगा ना बाबू? बोलेगा ना, बताएगा मम्मी को, बताएगा दीदी को, बताएगा कदू। हाँ अंकल जी बताएंगे, बोल दो। बताओगे ना कदू? हाँ मैम बोलेंगे कि आपका फादर के क्या नाम है, क्या बताओगे? बोलिए। आरोही की छुट्टी भी 1:15 पे होती है, तो पति देव पहले ही आ गए थे उसको लेने के लिए आरोही को, और फिर मैं श्लोक को लेके आई हूँ, तो अंदर जाने से पहले कह रहा है मुझे पहले झूला झूलना है फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो थोड़ा सा घूम लो तुम भी। तो यहाँ पे क्लास में सब लोग बैठे हैं, जिसका नंबर आ रहा है वो बच्चा जा रहा है मैम के पास, वो भी अकेले जाना है, पेरेंट्स को लेके नहीं जाना है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? बस 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 रॉकी बस बस, शांत शांत शांत।
शांत आ गए ना, अभी हम लोग आ गए हैं, अभी आ गए हैं, फिर क्या आ गए ना मामा, आ गई ना, बस शांत रहो बस। एक घंटा भी तो नहीं लगा था। तो रॉकी 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 लो बिस्किट खा लो बच्चा। और की दिया तो वही बात नहीं, अभी खा जाएगा वो। बस शांत हो गए, शांत तो श्लोकी का इंटरव्यू भी अच्छा ही था। अब जो बोला, एक जगह जाना था उसको तो वहां पे गया था, तो अकेले जाना था तो क्या बोला क्या नहीं, आकर तो बता रहा है कि रेड कलर ब्लू कलर बताया, नाम बताया। और दूसरी जगह जहाँ पेरेंट्स का इंटरव्यू हो रहा था वहां पर गया है, तो वहां पर भी जाकर बस नेम बताया है और यही थोड़ा सा ABCD बताया, 1-2 नहीं बताया, बोला ही नहीं। उसके बाद शांत हो गया, कह रहा है टॉफी चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और मंदिर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और जेंट्स एक तरफ हैं और लेडीज़ लोग एक तरफ हैं, मेरी लाइन बहुत पीछे है, पतिदेव तो कुछ आगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मंदिर में लाइन में खड़ा होने में जो मज़ा है ना, वो मतलब जाकर पूजा करके आने में बिल्कुल भी नहीं। लाइन में खड़े रहिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसे लाइन में खड़े रहना, 10-5 मिनट टाइम देना भगवान के लिए। बाकी टाइम तो आदमी इंसान अपने लिए जी रहा है, बट मंदिर में आने के बाद मतलब काफ़ी मुझे सुकून शांति मिलती है, इसीलिए मैंने कैमरा हाथ में बिल्कुल नहीं लिया। मुझे मतलब बहुत बार जब मैं मंदिर आती थी ना, मुझे वो सुकून शांति नहीं मिलता था, कैमरा हाथ में कभी कभी रहता था, या फिर पूजा भी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कभी करते थे, तो वो सब चीज़ें मतलब मन को शांति नहीं देती थी। तो मैंने सोचा अभी एक दो बार से मैं कहीं भी मंदिर में जाती हूँ तो बिल्कुल मेरे हाथ में कैमरा नहीं रहता, मैं एक मतलब कैमरा से बहुत दूर रहती हूँ। हाँ, रिकॉर्ड करते हैं कब, जब मेरा पूजा हो जाता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिल जाता है, मतलब एक अलग सा फील होता है मंदिर में आने के बाद। फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही, देखिए मैं अभी को कैमरा हाथ में ली हूँ। इतनी भीड़ थी मंदिर में ना कि मैं तो खो गई थी, मतलब पतिदेव दोनों बच्चों को लेके उधर हो गए थे, वो जल्दी दर्शन कर लिए थे, मेरा लेट हुआ था, तो फिर जाकर किसी तरीके से वो मिले हैं अभी। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत सहस्र बदन तुम रोम जैसे जब मैं पूजा करके गई तो देखा पतिदेव ने चंदन टीका लगाया है दोनों बच्चों ने, तो मैंने कहा कि मुझे भी लगाना है, मेरा भी बहुत दिन से मन है, मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं लगाया है, फुल माथे पे जैसे अभी लग रहा है ना वैसे नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, चलो तुम्हारा मन है तो तुमको भी लगवा देते हैं। तो फिर हम लोग फिर मंदिर में आए और ये टीका लगा लिया। तो यहाँ पे पतिदेव आए हैं कुछ फ्रूट्स लेने, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं फास्ट रहती हूँ ना अकेले, तो बस फ्रूट्स दूध चाय यही सब पे मतलब मैं रह लेती हूँ, कुछ मुझे मैं बनाती नहीं हूँ खुद के लिए, तो ये जानते हैं तो इसीलिए आ गए हैं यहाँ पर फ्रूट्स लेने। ओ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सभी भाई और बहन, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारी मैडम जी का आज है फास्ट और त्रिकुंड लगा करके दिखाइए जरा अपना त्रिकुंड। वाह भाई वाह, गजब। अरे तो जब मन था तो हमसे बताई होती, हम आपको रोज त्रिकुंड लगा दिए होते। नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे वाला। और यहाँ पे देखिए व्रत का खूब फायदा उठाया जा रहा है, अच्छे अच्छे जूस पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट रहिए और टाइट रहिए। मेरा तो फास्ट नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो आज सुबह नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सबने वही मौसमी और अनार जूस पी लिया था और बच्चे ब्रेड वगैरह जिसको जो खाना था वो खा लिए थे। और दोपहर में मैंने ये बनाया है तहरी, क्योंकि पतिदेव को दाल चावल बहुत कम मतलब कम पसंद है, जब इनको मौका मिलता है तो ये यही इसी को बनवाते हैं, तो फिर मैंने बनाया कि चलो आप तीनों को खाना है। तो लोग चम्मच से घी खा ले पहले सूखा हुआ, लेकिन आज तो घी पिघल गया है, आज तो घी मिलेगा नहीं, देखो ना पिघल गया है, सब गर्म हो गया है, बैठ जाओ खाओ ऐसे ही। सब लोग खाना खा रहे हैं और रॉकी जी नहा के सो रहे हो, नहा लिए नहा के सो ले।
आ रहा है मेरे बंद करना, नो रोकी नो, नहीं आना है वही बैठो। इस प्रकार के पतियों से जो इस प्रकार के होते हैं, बेबी का फास्ट हो तो बनवा रहे, इतना मेहनत से इडली सांभर चटनी खा रहे हैं, बताओ इतना बड़ा जुल्म कौन करता है बीवी पर? क्या जुल्म के भाई, आराम से बैठे हो चुपचाप, हम बाहर से लाके खा रहे हैं। बाहर से लाए हैं कि हम बनाए हैं? झूठ बोलेंगे, हम इडली बनाए हैं इतना मेहनत से। इडली में काहे का मेहनत है? अरे गए हैं, दही लिए है, सूजी लिए है, उसको मिक्स किए हैं और इडली पकाए हैं। जो भी हो, बात बनाने की नहीं है, मेहनत की नहीं है, बात ये है कि मेरा फास्ट है और ये खा रहे हैं इडली सांभर चटनी। मुझे खाने का लालच नहीं है, वो तो बस मैं मजा ले रही हूँ ऐसे ही। खा लो भाई खा लो, मेरा भी दिन आएगा किसी दिन, जिस दिन आपका फास्ट रहेगा ना उस दिन मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।